नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। किसान भाई रबी की फसलों की कटाई गहाई का कार्य थ्रेसर द्वारा करते हैं, जिससे किसानों को फसलों की गहाई करने में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। लेकिन किसान भाइयों, थ्रेसर को उपयोग में लाते समय कुछ सावधानियों को बरतना ज्यादा जरूरी है, ताकि थ्रेसर सही तरीके से काम करता रहे। इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता अलवर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार। जब हम थ्रेसिंग करते हैं और तो उसके लिए आपके थ्रेसर जो देख रहे हैं, थ्रेसिंग करने में आपको उसके दाने पौधे सेपरेट होने में अच्छे से हो और आपका नमी में उसका ज़्यादा ताप उत्पन्न ना हो उसके मशीन के अंदर, थ्रेसिंग मशीन के अंदर। किसान फसलों की कटाई गहाई के कार्य में जुटे हैं और किसान फसलों की गहाई का कार्य थ्रेसर से करते हैं। ऐसे में हमारे किसान भाई थ्रेसिंग करते समय कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे दुर्घटना होने का डर बना रहता है। तो आपको चाहिए कि थ्रेसिंग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, ताकि किसी प्रकार की होने वाली संभावित हानि से बचा जा सके। और इसमें जो सावधानियां रखनी है आपको, कि ढीले ढाले कपड़े ना पहने, हाथ में ग्लव्स रखें, क्योंकि आप टहनी को उठाते हैं तो उसमें हाथ डैमेज होने का खतरा रहता है। मुंह और नाक को अच्छी तरह से ढक के रखें, ताकि आप उसको सांस लेने में आपका ज़्यादा के सांस के साथ उसके जो सूक्ष्म कण होते हैं वो आपके नाक या शरीर में प्रवेश ना करे, जिससे आपको कुछ तबीयत खराब होने का हो। जब एक बार थ्रेसिंग हो जाता है तो फिर आप उसको अच्छे से, उसके जो टहनियों के टुकड़े होते हैं, छिलके होते हैं, पॉड होते हैं, वो आपको सेपरेट कर लें। किसान भाइयों, थ्रेसर पर लगातार काम करने से थकावट होने पर कुछ देर कार्य को रोक दें। कुछ दुर्घटनाएं अत्यधिक थकान के कारण भी होती है। कभी भी थकान की दशा में थ्रेसर पर कार्य नहीं करें। जहां तक संभव हो थ्रेसर को कभी भी ट्रांसफार्मर या बिजली के तारों के नीचे न लगाएं। खलिहानों में धूम्रपान बिल्कुल न करें और न ही किसी को ऐसा करने दें। आग से दुर्घटना की रोकथाम के लिए खलिहान में बालू का ढेर तथा बाल्टियां आदि जरूर रखें। यदि व्यक्ति ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या सीधे ट्रैक्टर की ट्रॉली से ही फसल को थ्रेसर में डाल रहा हो, तो वह हाथों के अलावा कभी कभी पैरों से भी फसल को अंदर धकेलता है। फसल के अचानक अंदर प्रवेश करने पर हाथ या पैर का अंदर जाना स्वाभाविक ही है, तो फसल को पैरों से अंदर धकेलने की कोशिश न करें। जब थ्रेसर को बेल्ट पुली का उपयोग करके ट्रैक्टर या अन्य किसी शक्ति स्रोत से चलाया जाता है, तब घूमने वाले कलपुर्जों को लकड़ी के फ्रेम या लोहे की जाली से ढक कर रखें अथवा विशेष सावधानी रखें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके आप अच्छी गुणवत्ता वाली अगर बाजार में ले जाएंगे किसान भाई, तो आपको जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे या उससे अधिक आपको मिलने की संभावना रहती है। दूसरी बात है कि किसान भाई जब आप भंडारण करते हैं उसको अधिक, अभी क्या होता है किसान को, सभी किसान एक साथ आप ले जाएंगे मार्केट में तो उससे क्या होता है भाव थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप सरकार के यहाँ नहीं बेचते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको भाव नहीं मिलता है, तो इसलिए आप थोड़ी देर के लिए उसका, आप महीने, दो महीने, छः महीने तक आप उसका भंडारण कर सकते हैं। भंडारण करने के लिए उसे अच्छी तरह से सुखा लें और उसको किसी बैग में, जिस बैग में आप उसको पैकिंग करोगे उसको एक इंसेक्टिसाइड मेलाथियन 50% आता है उसका, नहीं में घोल बना करके 10 बोरी 50 बोरी जितने हैं उसको आप डुबो करके सुखा लो, फिर उल्टे करके आप उसको भंडारण करके पैकिंग कर लो। जिस मकान में आप भंडारण करेंगे उसमें क्या होता है, एक कीटनाशक से छिड़काव कर दो या फिर फॉर्मलिन का रख करके उसमें एक स्टरलाइजेशन करते हैं, ताकि जो कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएं, और आप फिर पैकिंग करके बैग को हिसाब से आप उसका पैकिंग करके भंडारण करें, लंबे समय तक भंडारण करें, इससे ताकि आपको जब बिक्री करेंगे तो ताकि जब बाजार भाव ज़्यादा होगा तो आप उसको बेच करके अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि फसलों की कटाई गहाई का कार्य जोरों से इन दिनों चल रहा है और देश में कोरोना ने कहर मचा रखा है, ऐसे में आम जन के साथ साथ किसानों को भी इस कोरोना के कहर से बचाव करना होगा। तो आप इस कोरोना से कैसे बचें, आइए जानते हैं।
किसान खुद को कैसे बचाएं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल किसान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं और जैविक खेती में विभिन्न प्रकार के कल्चर तैयार करके अपने फसलों में काम में ले रहे हैं। आज हम आपको गांव इटावा भोपजी, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश यादव से मिलवाने जा रहे हैं, जो जैविक खेती करने के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक कल्चर तैयार करके फसलों में उपयोग में ला रहे हैं। तो आइए जानते हैं इन्हीं से कि जैविक खेती में किस प्रकार से उपयोगी है ये कल्चर। फंगस के रूप में मुख्यतः जितने भी जो फंगस पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनका ज़्यादातर काम होता है बीमारियों को ख़त्म करने का। और उनमें से एक आध कोई फंगस होता है जो पौधे को पोषण का काम देता है, जैसे वेसिकुलर बिस्कुलर माइकोराजा है। उसके अलावा जितने भी फंगस हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा है, पेशिलोमाइसिस है, बैक्टीरिया बेवेरिया बेसियाना है, मेटारिजियम एनासोपली है, ये सब ज़्यादातर बीमारियों को ख़त्म करने के काम में आते हैं। किसान भाइयों, जैविक खेती का आधार सूक्ष्म जीव है और सूक्ष्म जीवों का अधिकतम सहयोग लेकर मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाते हैं और पौधे अपना पोषक तत्व मिट्टी से लेते हैं। और जब मृदा उर्वर होगी तो पौधों की अच्छी बढ़वार होगी और इससे अच्छी उपज मिलेगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि खेती के लिए भूमि में लाभदायक सूक्ष्म जीवों के बारे में, जैसे फंगस, बैक्टीरिया, एक्टिनोमासिस, प्रोटोजोवा, जो भूमि की उर्वरता बनाने और हानिकारक रोग कीट नियंत्रण में भी काफी लाभकारी होते हैं। फंगस में ट्राइकोडर्मा जो है वो सूक्ष्म जीव है जो फैक्ट्रियों में भी डेवलप किया जाता है, जिन्हें हम घर पर लाके उनको डेवलप करके और खेती में उनका उपयोग करते हैं। मुख्यतः तो ट्राइकोडर्मा है जो एंटी फंगस का काम करता है, फंगिसाइड की तरह काम करता है। इसके अलावा फेसिलोमाइसिस है जो एंटी निमाटोड का काम करता है। इसके अलावा बेवेरिया बेसियाना है, वर्टिशिलियम लेकानी है, जो कीड़े मकोड़ों को मारने का काम करते हैं, जो जैविक तरीके से अपना काम अच्छी तरह से करते हैं। उनको बाजार से लाकर या लेबोरेटरी से खरीद कर हम घर में डेवलप कर सकते हैं। जो बैक्टीरिया जो होते हैं, तो बैक्टीरिया में ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो पोषण का काम करते हैं, जैसे एसिटाबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, और पीएसबी कल्चर है, केएमबी कल्चर है, ये सब ज़्यादातर फसल को पोषण के काम में आते हैं। सुडोमोनास एक एंटीफंगल के काम में आता है और एंटीबैक्टीरिया के काम में आता है। सुडोमोनास बैक्टीरिया है वो
बीमारियों को ख़त्म करने के काम में आता है। बाकी ज़्यादातर बैक्टीरिया जो हैं वो फसल को पोषण के काम में आते हैं। पीएचपी का काम है फास्फोरस से जो पड़ा हुआ होता है अपने खेत में उसको घोलने का काम करता है पीएचपी, और घोलने के बाद में वो पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे दो फायदे हैं, एक तो पौधों को आसानी से फास्फोरस उपलब्ध हो जाता है, और दूसरा मिट्टी की जो स्ट्रक्चर होता है, जो संरचना होती है उसको सुधारता है, वो मिट्टी की ईसी और पीएच को मेंटेन करता है। उसके अलावा जो केम भी होता है वो पोटास को मोबिलाइज करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पोटास को मूव करता है, जिससे पौधों को आसानी से वो जड़ों में उपलब्ध हो जाता है और पौधे में पोटास की कमी नहीं हो पाती है, जिससे और पौधे को उपलब्ध हो जाता है। उसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन के, उनमें से एजिटाबैक्टर है, एजोटोबैक्टर है, और उनके अलावा दो तीन तरह के बैक्टीरिया और होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित करके पौधों की जड़ों में उपलब्ध करवाते हैं, और पौधे को वो गांठों के रूप में जड़ों में एकत्रित हो जाते हैं। जब पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है उस हिसाब से वो रिलीज करते रहते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति होती रहती है। अक्सर किसान भाई अपने खेतों में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने के लिए बाजार से जैविक कल्चर खरीद कर लाते हैं और खेत में मिला देते हैं। इस तरह से किसान को हर बार खरीदना पड़ता है, तो जो किसान भाई सूक्ष्म जीवों की संख्या अपने स्तर पर बढ़ाना चाहते हैं वो इसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जरूरत है बस सही जानकारी की। कुछ इसी तरह से सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाकर अपने खेतों में प्रयोग कर भूमि की उर्वरता को बढ़ाकर फसलों से ज्यादा पैदावार लेकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं ये किसान भाई। तो जानते हैं खेती के लिए लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ाने की तकनीक खुद उन्हीं से। कल्चर हम बाजार से खरीदते हैं या लेबोरेटरी से खरीदते हैं, उसके बाद में हम घर लाकर उसको या तो ड्रमों में डेवलप करते हैं या सड़ी गली गोबर खाद में हम उनको डेवलप करते हैं। इनको घर पर डेवलप करने का जो सीधा सा तरीका होता है वो हम एक ड्रम में 200 लीटर पानी लेते हैं, उसमें 1.5 या 2 किलो के करीब गुड़ डालते हैं, और 250 ग्राम या 200 ग्राम के करीब उसमें बेसन डालते हैं, किसी भी दाल का बेसन हो वो डालते हैं, और कल्चर 200 लीटर में 1 लीटर या अगर पाउडर फॉर्म में है तो 1 किलो पाउडर फॉर्म का कल्चर डाल के उनको सुबह शाम दोनों वक्त डंडे से हिलाते हैं, तो 6-7 दिन में कल्चर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है, पानी का कलर दूधिया हो जाता है, और झाग वगैरह देके जब 6-7 दिन के बाद में झाग शांत हो जाते हैं उसके बाद में ये खेत में अप्लाई करने के लायक हो जाता है। इसके अलावा हम इसको डेवलप करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, वो सड़ी गली खाद में या वर्मी कंपोस्ट में भी उसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसके लिए उसमें थोड़ी सी खाद में थोड़ी सी नमी करके उसमें कल्चर मिलाते हैं और उनको ढककर छाया में रख देते हैं, उसके बाद में 4-5 दिन बाद में उसको एक बार उसकी पल्टी निकालते हैं, पल्टी निकालने के बाद में उसको फिर से वापस दोबारा से ढककर उसको रख देते हैं। करीब 10 से 15 दिन के अंदर उनमें कल्चर डेवलप हो जाता है, और उस कल्चर को हम या तो खेत में सीधा अप्लाई कर सकते हैं या फिर पानी में घोल के उसको ड्रिप के थ्रू उसको अप्लाई कर सकते हैं छान कर। सबसे जो बड़ा फ़ायदा होता है वो है कि हमारी ज़मीन में जो माइक्रो बायोलॉजी है उसका संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जड़ों में रोग आने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और दूसरा उन फसल के पोषण के रूप में भी वो बहुत अच्छी तरह से काम में आते हैं। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भविष्य में जल उपलब्धता पर पड़ते दबाव के चलते हमें जल संरक्षण और अपशिष्ट जल के पुनः प्रयोग हेतु कुछ उपाय करने होंगे, जिससे पानी की बर्बादी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। तो पानी को पुनः किस प्रकार से उपयोग में लाएं, इस बारे में बता रहे हैं NDRI करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष। जल है जीवन का मूल्य, इसकी बर्बादी की न करना भूल। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ। जल का नहीं है कोई मोल, इसका एक एक कतरा है अनमोल। ऐसे नारे हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं, मगर कभी जल बचाने का प्रयास किया क्या? बिल्कुल नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जल ही जीवन है, फिर भी इस जल को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं करता। ईश्वर ने जल जैसी अमूल्य चीज हम सबके लिए बनाई है, जिसके सिवा जीवन जीना मुश्किल की नहीं नामुमकिन है। इस अमूल्य चीज को बचाने के लिए हम सबको आगे आना होगा।
इस बार न्यूज 18 अन्नदाता की टीम पहुंची है करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, जहां पर कृषि वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा किया है जिससे खराब जल को सुधार कर इसका फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है और वो भी बहुत कम खर्चे में। भाइयों को मालूम होगा कि आजकल चेन्नई, जिसको पहले मद्रास बोलते थे, उस शहर का अभी क्या हाल है। वहाँ पे पीने के पानी की किल्लत के चलते जल बिन सब कुछ सून हो चुका है। मवेशी परेशान है, किसान परेशान है, खेती बाड़ी के लिए जल नहीं है। तो इस तरीके के हालात भारत के, हमारे देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे शहरों में भी होने का एक समय आ चुका है। तो इस विषय में मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा, खासकर उन किसान भाइयों को जो कि जहाँ पर पर्याप्त जल उपलब्ध है उस एरिया में रहते हैं, कम से कम पानी को व्यर्थ मत बहाएं। यदि हम पशुपालकों की बात करें तो पशुपालक एक इंच डेढ़ इंच की पाइप लेकर के पशुओं को नहलाना शुरू करेंगे, जहाँ पे 50 लीटर 100 लीटर पानी इस्तेमाल होना है वहाँ 200 से 250 300 लीटर पानी जो है उसका इस्तेमाल प्रत्येक पशु पर किया जाता है और जो पीने योग्य जल है वो व्यर्थ में बह जाता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गाँवों में तालाब हैं या जहाँ पे पानी वो इकट्ठा कर सकते हैं उस पानी को वो सिंचाई के लिए प्रयोग करें, सब्जी उगाने में प्रयोग करें। इस टाइप की जो छोटी छोटी एक्टिविटियाँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनसे आप बहुत बड़ी मात्रा में जल को बचा सकते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि जल का ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण करें, उसका दोहन कम से कम करें। जब आप उसको पुनः प्रयोग करेंगे जल को पुनः प्रयोग करने से ये मानिए आप कि आपने नया जल जो है उसको पैदा कर लिया। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको कम से कम इस्तेमाल किया। जो किसान भाई 50 पशु 100 पशु 400 पशु रखते हैं नहलाने में, पशु आवास धोने में, उनका जितना भी जल इस्तेमाल किया जाता है उस जल को वो एक होदी बना करके या टैंक बना करके उसमें एकत्रित कर लें और जो विधि हमने बताई है उस विधि द्वारा बड़ी मात्रा में उस जल को साफ करके वो पशु आवास को धो भी सकते हैं। अगर वो पशु को पिलाना नहीं चाहते कम से कम पशु आवास को धो सकते हैं, पशु के लिए चारा उत्पादन में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं गांव में या फायर ब्रिगेड सर्विसेज को वो साफ करके सप्लाई दे सकते हैं, सर्विस स्टेशंस को सप्लाई दे सकते हैं, जो सड़क के किनारे पे वृक्ष लगे हैं उन वृक्षों में भी इस पानी को दिया जा सकता है, चिनाई के कंस्ट्रक्शन के काम में इस पानी को दिया जा सकता है। तो इस तरीके से जो एक फ्रेश वाटर यानी जो भूमिगत शुद्ध जल है जहाँ वो प्रयोग हो रहा है उसकी जगह हम जहाँ इस जल को प्रयोग कर सकते हैं उसको करना चाहिए। ये तो बिल्कुल नलके के पानी की तरह है और ये जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो BIS का है, चाहे वो यूरोपियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, अमेरिकन एसोसिएशन का है, उन सभी स्टैंडर्ड्स के मानकों को पूरा कर रहा, तो इसको इस्तेमाल करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गंदे जल को साफ करने के लिए हमने एक विधि का विकास किया है जिस पे हम पिछले 2.5 साल से कार्य कर रहे हैं। इसमें गंदा जल किसी भी स्रोत से, चाहे वो तालाब से है, चाहे वो पशुशाला से है, चाहे वो रसोई का दूषित जल है, उसको एकत्रित करके 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी का पाउडर, पिसी हुई फिटकरी, या उसको थोड़े से पानी में घोल करके घोला जा सकता है जैसा कि हमने आपको दिखाया है। उसके पश्चात जब वो 4 घंटे के लिए आपने रख दिया तो दूध की तरह फट जाएगा। दूध की तरह फटने के बाद उसके अंदर वो नीचे बैठ जाएगा। बैठने के बाद ऊपर का जल जो है उसको नितार करके आप दूसरे बर्तन में ले लीजिए और उसमें 500 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम का आधा 500 मिलीग्राम चूल्हे की राख या चारकोल का पाउडर लेकर के उसमें घोल दें। 4 घंटे उसको फिर छोड़ दीजिए तो जिस तरह काली लेयर जो है उसके काले रंग की एक परत वो नीचे बैठ जाएगी, वो अपने साथ जितनी भी दूषित वस्तुएं थी उनको और साफ कर देगी, यानी कि ये एक दूसरा महीन फिल्टर का काम करेगा। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद आप उस पानी को नितार करके तीसरे बर्तन में लीजिए और एक जो वाटर वर्क्स में जगह जगह नलकों में इस्तेमाल किया जाता है बरसात के मौसम में गांवों में, सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसको आम भाषा में
पानी को ब्लीचिंग पाउडर से मिक्स करना कहते हैं, उस केमिकल का 25 ml आपको एक लीटर पानी में डालना है और वो पानी बिल्कुल साफ जल की तरह ठीक हो जाएगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। फसल में तना और फल बेधक कीट का प्रकोप काफी देखने में आता है। इस कीट की सुंडी गुलाबी रंग की बाल रहित होती है। ये सुंडियाँ नई शाखाओं में छेद करके अंदर घुस जाती है, जिसके कारण शाखाएं मुरझा जाती हैं और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है। और जब फसल में फल लगते हैं तो ये सुंडियाँ फलों में घुसकर फल के गूदे को खाती हैं, जिससे फल खाने योग्य नहीं रहते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव भी नहीं मिलता है। एक अनुमान के अनुसार ये कीट फसल में 30 से 50 प्रतिशत तक नुकसान कर देता है। किसान भाइयों, इस तरह की आर्थिक क्षति से बचने के लिए आप प्रभावित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें और इस कीट के जैविक नियंत्रण के लिए आप 5 से 25 फेरोमोन ट्रिप प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में लगा दें, जिससे जो नर कीड़े होते हैं वो मादा कीड़ों की महक के कारण इस ट्रिप में आकर फंस जाते हैं, जिससे आप इस कीट पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लेंगे। इसके अलावा आप इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु 3 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें, इससे भी आप इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर फसल में इस कीट की संख्या कम है तो आप नीम सत या नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें। और यदि इस कीट का प्रकोप बैंगन की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है तो आप सबसे पहले ग्रसित शाखाओं और फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके बाद इमामेक्टिन बेंजोएट दवा की 200 मिलीलीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में प्रयोग करें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, दवा छिड़काव के 7 से 10 दिनों के बाद ही फलों की तुड़ाई करें, क्योंकि छिड़काव के कम 7 दिनों तक दवा का फलों में अवशेष रहता है, जिनको खाने से ये मानव स्वास्थ्य पर खराब असर डालते हैं। इस तरह किसान भाइयों, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यदि इस कीट का नियंत्रण करते हैं तो आप अपनी फसल को इस कीट से बचाकर अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataRajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।